नमस्कार हम सतगुरु जन्म के समय और जन्म स्थान के आधार पर बच्चों का नाम रखने का क्या महत्व है संस्कृत वर्णमाला सृष्टि के गहरी समझ से आती है क्योंकि ये भाषा बोलचाल के लिए नहीं बनी थी ये केवल बोलचाल के लिए हमारे द्वारा बनाई गई भाषा नहीं है इस भाषा को लोगों ने अस्तित्व से ही निकाला है इट इज अ लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन नॉट आउट ऑफ इमेजिनेशन इस भाषा का विकास सृष्टि को देखकर हुआ न कि कल्पना करके कई मायनों में जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करते हैं और जिन आकारों का जिक्र करने के लिए आप इन ध्वनियों का उपयोग करते हैं ये जुड़े हुए हैं मंत्र का यही अर्थ है मंत्र का अर्थ है एक ध्वनि एक शुद्ध ध्वनि यंत्र यानी उससे जुड़ा हुआ आकार इसे समझने के लिए अगर आप फिजिक्स के बारे में कुछ जानते हैं कम से कम अगर आपने हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ी है तो आपने ध्वनि के बारे में कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ा ही होगा अगर आप किसी ऑसिलोस्कोप में ध्वनि डालते हैं जो ध्वनि को मापने का यंत्र है तो उस आवाज की फ्रीक्वेंसी उसके एम्पलीट्यूड और बाकी पैमानों के हिसाब से यह हर बार आपको एक खास आकार दिखाएगा तो एक ध्वनि के साथ एक रूप जुड़ा होता है इसी तरह से एक रूप के साथ एक ध्वनि जुड़ी होती है जब एक बच्चा जन्म लेता है तब सौर मंडल की जामती स्थिति के आधार पर ब्रह्मांड पर गौर करने का भी एक तरीका है पर वो काफी जटिल है कम से कम सौर मंडल की ज्यामिति स्थिति पर गौर करके लोग यह तय करते हैं कि यह ध्वनि सबसे अच्छी होगी उस बच्चे के लिए जिसने इस दिन इस समय पर जन्म लिया है इसका एक वैज्ञानिक आधार है लेकिन इसमें कुछ गुंजाइश भी है क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में चौवन अक्षर हैं इन अक्षरों को सैकड़ों छोटी ध्वनियों में तोड़ा जा सकता है उन छोटी ध्वनियों के आधार पर लोगों का नाम रखना बहुत जटिल है जब उनको नया नाम देने की बात आती है अगर वो ब्रह्मचर्य या सन्यास लेते हैं उन्हें नया नाम देते समय हम थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कुछ पहलुओं को देखते हुए और वो दीक्षा को कैसे ग्रहण करते हैं इसके आधार पर हम नाम को व्यवस्थित करेंगे ताकि उस नाम या ध्वनि का उससे मेल हो अर्थ नहीं अर्थ कोई मायने नहीं रखता क्योंकि आप जो चाहें वो अर्थ बना सकते हैं अब हमें आपके बच्चे को इस तरह का नाम देना होगा कि जब भी आप उस नाम को पुकारते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ढीला हो जाए लेकिन अगर आप उसका नाम अनिरुद्ध रखते हैं वो देश के बाहर जाएगा या भारत में भी अगर आप बेंगलुरु जाते हैं तो लोग आपको एंडी कहेंगे ठीक है अगर आप उसका नाम जनक रखेंगे तो वो उसे जैक कहेंगे सो so, हमें नहीं पता कि वो उसका कैसा नया नाम रखेंगे ऐसा होगा कुछ हद तक ये महत्वपूर्ण है अगर आप मोक्ष की खोज में हैं, तो जो नाम आप बोलते हैं जिस ध्वनि का आप उच्चारण करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय समाज में लड़कों के नाम रखने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय लड़कियों के क्योंकि किसी लिंग भेद की वजह से नहीं क्योंकि आपको उसी पट्टे के साथ रहना है लड़की तो किसी और की परेशानी है <laughs> क्योंकि बेटा आसपास ही रहेगा आपके आखिरी सांस तक जब आप मर रहे हैं अगर आप अपने बेटे को बुलाना चाहें तो आप कहेंगे शिवा वाह! अगर वो सैम है तो क्या करें <laughs> इसलिए माता पिता भी ध्यान देते हैं कि हम तो लगातार क्योंकि हो सकता है कि वो खुद अपने नाम का अक्सर इस्तेमाल ना करें लेकिन हमें ये नाम बार बार पुकारना पड़ेगा इसलिए ये परिवार की जामिति के अनुसार होना चाहिए मगर वो ये नहीं जानते कि लड़की को क्या नाम दें क्योंकि वो अभी तक ये नहीं जानते कि वो किससे शादी करेगी तो आमतौर पर शादी के समय लड़की का नाम बदल दिया जाता था आप जानते हैं करीब 25 साल पहले तक अधिकतर महिलाओं का शादी के समय नाम बदल दिया जाता था पति का नाम देखकर उसके गुणों के आधार पर या ग्रहों की जामिति के आधार पर नाम बदला जाता था ताकि वो मेल खाए आजकल यह अपमानजनक माना जाता है मैं अपना नाम क्यों बदलूं? ये जरूरी नहीं है क्योंकि क्योंकि हर चीज का शोषण करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है उसकी वजह से हर चीज के लिए प्रतिरोध आ जाता है अगर इसे सही तरीके से किया जाता तो सभी से स्वीकार करते जब इसे सही और उचित तरीके से नहीं किया जाता तो यह परेशानी बन जाता है तो हमेशा से बेटे का नामकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है क्योंकि आपको उसी के साथ रहना है आजकल वो दूर चले जाते हैं तो चलेगा उन दिनों वो मरते दम तक आपके साथ रहते थे इसीलिए ये जरूरी था कि जो नाम आप पुकारें वो परिवार के ज्योमेट्रिक इक्वेशन में फिट मिले